नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। यूपी के अमरोहा नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला कुरैशी की कब्रिस्तान में मिली युवक की लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार समेत हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि युवक की हत्या अवैध संबंधों के चलते की जाने की बात सामने आई है। थाना कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवक की शव मिला था, जिसमें कि 2 गोली लगने के निशान थे। पुलिस ने तत्काल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। इसका अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जो मृतक है उसका एक युवती के साथ कुछ संबंध थे, जिसके चलते उस युवती के पति और मृतक के बीच में काफ़ी तनाव था। मृत्यु जिस दिन हुई, जिस दिन हत्या की गई, उस दिन जो अभियुक्त है वो अपने साथी के साथ में रास्ते से जा रहा था। अचानक जो मृतक है उसको नजर आया। इन दोनों में कहासुनी हुई, उस पर जो अभियुक्त के साथी मुश्ताक, उसने अपने अंटी से तमंचा निकाला और उसने वह जो अभियुक्त था नदीम, दोनों ने एक एक गोली मृतक को मारी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये लोग मौके से फरार हो गए। जो एक अभियुक्त है वो फरार है अभी। एक अभियुक्त को पकड़ा गया है, उससे जो घटना में प्रयुक्त तमंचा है वो बरामद हुआ है और इसमें आगे कार्यवाही की जा रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बता दें कि अमरोहा नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला कुरैशी के कब्रिस्तान में वेल्डिंग का काम करने वाले युवक बिलाल की अज्ञात हत्यारों द्वारा हत्या करने के बाद उसके शव को फेंक दिया गया था। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद उसके परिजनों के साथ साथ इलाके के लोग भी जमा हो गए थे। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और नामजद आरोपियों की तलाश जारी की। इस पूरे मामले में अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बिलाल की हत्या के मामले में अवैध संबंधों का मामला नजर आ रहा है। मृतक बिलाल के हत्यारे की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध के चलते यह हत्या की गई है। इस हत्या में आरोपी नदीम के साथ उसका एक दोस्त भी शामिल था, जो अभी फरार है। उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।